सबको जय यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम कितने धन्य हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया है और हमें विश्वास का वरदान दिया है। तो आइए इस विश्वास के वरदान के बारे हम थोड़ी देर मनन चिंतन करें, एक मन से, एक दिल से। कई दिन पहले जैसे मैं बाइबल पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे एक वचन दिया है, योहन का सुसमाचार उसका अध्याय 20 पद 29 में प्रभु का बहुत महत्वपूर्ण एक वचन है, वो हमें सुनना है और उसको समझना है। हम एक बार पढ़ के सुनेंगे, योहन का अध्याय 20 पद 29। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है। धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन मुझे और मेरे मन में कई विचारों को लेके आया। मेरे मन में ऐसे सवाल आने लगे कि बिना देखे विश्वास करने का मतलब क्या है। एक बार जयपुर में प्रचार के बीच में इस वचन के ऊपर मैं प्रचार करते रहा, करीब 1 घंटे प्रचार करते रहा, लेकिन ना तो मेरे को इतना समझ में आया, शायद सुनने वालों को भी समझ में नहीं आया होगा। पर प्रभु ने अचानक मिस्र बलिदान के बीच में मेरे को कई बातों को बताया। मैं आपके साथ उन बातों को बांटना चाहूंगा, ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। मुस्कुराते हुए हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी इस बात को सुनने वाले दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वचन का मतलब समझना आपके लिए और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिना देखे ही विश्वास करने का मतलब क्या है? अक्सर हम इस दुनिया में देखते हैं, हम देखने के बाद विश्वास करते हैं, हाँ यह है। अब मैं फादर थॉमस आपके सामने हूं, एक बार आप मुझे देखेगा तब पता चलेगा हाँ ऐसे एक इंसान है, व्यक्ति है, बोलने वाला है, आपके सामने है। पर आप बिना देखे भी विश्वास करना सीखना है। वो क्या है बिना देखे विश्वास करना? ईश्वर ने मुझे बताया बिना देखे विश्वास करने का मतलब ईश्वर की दृष्टि से देखना, ईश्वर की दृष्टि से देखना, इंसान की दृष्टि से नहीं। मनुष्य क्या देखता है, ईश्वर क्या देखता है, उसमें काफी अंदर है। तो प्यारे भाई और बहनों, हम लोग थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे इस वचन के ऊपर और समझने की कोशिश करेंगे ईश्वर क्या समझाना चाहते हैं आपको और मुझे। हम लूकस का सुसमाचार का 4वां अध्याय का उसका 22वां वचन में इस प्रकार देखते हैं, यीशु नाजरत आए, सभागृह में प्रवेश करे और वहां पर लोगों को शिक्षा देने लगे। उनकी मनोहर वचन सुनकर लोग अचंभे में पड़ गए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं, बढ़ाई का पुत्र नहीं? तो उनकी दृष्टि में यीशु कैसे नजर आया? वे कह रहे हैं, इसको तो हम जानते हैं यार, ये तो हमारे बीच में है, हमारा यूसुफ का बेटा है, हमारे पड़ोस में रहते हैं, इसको कहते हैं इंसान की दृष्टि। मगर हम मत्ती के सुसमाचार में जाएं एक बार, वहां पर 16वां अध्याय का 16वां वचन पढ़ के सुनेंगे। मत्ती का अध्याय 16 पद 16 याद रखिएगा, इस वचन को बहुत महत्वपूर्ण वचन है, पढ़ के सुनेंगे। पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसको कहते हैं ईश्वर की दृष्टि।
जब नसरत के निवासी यीशु को देखा, यूसुफ का पुत्र नजर आया, तो विश्वास के साथ अब्बा के नजरों से, ईश्वर के नजरों से यीशु को देखा। पेत्रुस यीशु में ईश्वर का पुत्र को देखा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बोलने का मतलब यही है, हालेलुया, हालेलुया। हम 17 वचन भी पढ़ेंगे, 16 अध्याय का 17 वचन भी पढ़ेंगे, तब आपको और समझ में आएगा। इस पर ईसा ने उससे कहा सिमोन योनस के पुत्र तुम धन्य हो क्योंकि कोई निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मेरा कहने का मतलब यह है, स्वर्गीय पिता ने क्या प्रकट किया? स्वर्ग के अब्बा के, स्वर्गीय पिता के नजरों से पेत्रुस ने देखा। इंसान के नजरों से नहीं, इंसान के नजरों से देखने में क्या है, यीशु केवल बढ़ाई का पुत्र, यूसुफ का पुत्र नजर आए, बल्कि आप और मैं जब यीशु को देखेगा अब्बा की नजरों से, पिता की नजरों से, ईश्वर की नजरों से, तब हमें जीवित ईश्वर के पुत्र नजर आएगा। हम देखते हैं और बाइबल से उदाहरणों को, इस प्रकार का विश्वास क्या, बिना देखे विश्वास, ईश्वर की दृष्टि से देखने वाला विश्वास। हम सब जानते हैं पिता इब्राहिम के बारे, बाइबल की कितनी सुंदर घटना है इब्राहिम का। प्यारे भाई और बहनों, आपको मैं ले चलता हूं उत्पत्ति के ग्रंथ में, वहां पर क्या देखने को मिलता है। एक दिन सपने में ईश्वर इब्राहिम से कह रहे हैं, इब्राहिम तुम अपने पुत्र को ले लो, इसहाक को तुम्हारे लाडले को, और उसको मेरे लिए बलि चढ़ाओ। मैं एक सिंपल सवाल करना चाहता हूं आप लोगों से, हम में से कितने लोग हैं ऐसा, अगर ईश्वर सपने में आके कहें कि अपने पुत्र को या पुत्री को बलि चढ़ाओ, मालूम है इब्राहिम ने विलंब नहीं किया, देर नहीं कराया। बाइबल कहते हैं रात को सपना आया, सवेरे इब्राहिम उठा, बच्चे को ले लिया, नौकरों को ले लिया, गधे को ले लिया, और लकड़ी और सब कुछ इकट्ठा करके वो मोरिया पहाड़ की ओर चल पड़ा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना तो अपने घरवाली से, ना तो और किसी से उसने कोई सलाह नहीं लिया, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ईश्वर बोला, इब्राहिम ने किया, ईश्वर ने बोला, इब्राहिम ने किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दिल से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति का ग्रंथ उसका 22वां अध्याय का 5वां वचन हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 22 उसका 5वां वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है, हम ध्यान से सुनेंगे। इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा तुम लोग गधे के साथ यहाँ ठहरो मैं लड़के के साथ वहां जाऊंगा आराधना करने के बाद हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दिल से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यारे भाई और बहनों, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। इब्राहिम का जो लैंग्वेज या भाषा आप सुन लीजिए, इब्राहिम क्या कहते हैं, मैं लड़का के साथ वहां जाऊंगा और आराधना करने के बाद हम लौट आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसको कहते हैं अब्बा की नजरों से देखना, ईश्वर की नजरों से देखना। क्यों? जाने से पहले, वापस आने से पहले इब्राहिम बेटे से कह रहे हैं, जब बेटा पूछते हैं और क्या है, नौकरों से कह रहे हैं क्या है, हम लौट आएंगे। आराधना बलि चढ़ाने किसको जा रहे हैं? इब्राहिम को मालूम है, सेवकों को पता नहीं, ना तो इसहाक को पता है, लेकिन इब्राहिम
उन नौकरों से साफ साफ कहते हैं हम लौट आएंगे। मतलब जो ईश्वर ने देखा इब्राहिम ने देखा, इसको कहते हैं ईश्वर की नजर। जो पिता ने देखा पुत्र ने देखा। मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा इस बात को। इस बात को लेकर कई जगह पर मैंने प्रचार किया प्यारे भाई और बहनों। जैसे मैं एक पल्ली में प्रचार कर रहा था, प्रभु ने कई उदाहरण मेरे को दिया। मान लो आप कोई मेले में जा रहे हैं, आपके 2 या 3 साल का बच्चे आपके साथ है, कोई पिता है मेरे जैसे लंबे इंसान है 6 फुट वाला, तो बच्चे तो चलने वाला है 3 साल का है, आपके हाथ पकड़कर चल रहे हैं। वैसे अब कुछ जुलूस निकल रहे हैं, कुछ मेन फंक्शन हो रहा है, बच्चों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लोगों का पैर पैर दिख रहा है। बच्चा क्या कहेगा? पापा को बोलो पापा उठाओ, तो पापा क्या करेगा? पापा बच्चों को उठा के कंधे पर बिठाएगा। और जब बच्चे कंधे पर बैठेगा वो क्या देखने लगेगा? जो पापा देखता है वो बच्चा देखना शुरू करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। इसको कहते हैं ईश्वर की दृष्टि से देखना, अब्बा की नजरों से देखना। प्यारे भाई और बहनों, बिना देखे विश्वास करना है। अब्बा क्या देख रहे हैं? हमको देखना है। पिता क्या देख रहे हैं? ईश्वर क्या देख रहे हैं हमारे जीवन में, हमें देखना है। हालेलुया 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 हालेलुया। इब्राहिम ने देख लिया मोरिया पहाड़ पर क्या होगा, ईश्वर क्या देख रहा है, इब्राहिम देख लिया। इसलिए क्या अपने बेटे से कह रहे हैं, जब 22:8 में जब बेटा इसहाक अब्बा से पूछते हैं, इब्राहिम पूछते हैं अपने पापा से पूछते हैं, पापा पापा हमारे पास तो सब कुछ है, लकड़ी है, चूरा है, आग है, लेकिन बिली के लिए मेमना कहा। बाइबल के सुंदर वचन आपको मैं याद दिलाता हूं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22:8। इब्राहिम कहते हैं बेटा ईश्वर पहाड़ पर प्रबंध करने वाला है, हमारे लिए प्रबंध करेगा। God will provide. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 यारे भाई और बहनों, क्या बात है, कैसा विश्वास है। बिना देख के विश्वास करने का मतलब है पिता की नजरों से, अब्बा के नजरों से देखना। क्यों? क्योंकि इब्राहिम ना तो अपने घरवाली से कुछ बताया। जरा सा सोचो, अगर इब्राहिम बेटे के बिना घर वापस जाता है और कहते हैं रात को मेरे को सपना आया, मैं तो सवेरे उठ के अपने बच्चे को जाके बिली चढ़ा के आया, अगर आपके साथ ऐसे होते तो आप क्या करते? उस पहाड़ पर अपने बेटा तो हाथ पकड़कर उसको बोला होगा, पापा पापा आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिल गया, मुझे मत मारिए, मुझे मारो मत, मैं आपका लाडला हूं ना, आपने 100 साल तक मेरे लिए इंतजार किया ना, आपको तो अभी मिला है, आप कैसे मुझे मारोगे? आप तो क्या है, ईश्वर तो ऐसा आपको कभी नहीं बोलेगा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन प्यारे भाई और बहनों, इब्राहिम का विश्वास डगमगाते नहीं। इब्राहिम ईश्वर ने जो कहा उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे को बांध लिया, वेदी पर बैठाया, लिटाया और चूरा उठा लिया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जो अब्बा के नजरों से देखता है केवल वही व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है। केवल अब्बा के नजरों से देखने वाला, क्योंकि वो जान लेते हैं, उसको पता चलता है, उसको मालूम होता है मेरा अब्बा पत्थर से भी मेरे को संतान दे सकता है। अगर 100 साल की उम्र में मुझे बच्चा दे सकता है तो मेरे को क्या है, पत्थर से भी बच्चा दे सकता है। प्यारे भाई और बहनों, आप और मैं दुखी क्यों है, परेशान क्यों है? क्योंकि हमारा विश्वास बिना देखे विश्वास नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग देखने के बाद भी विश्वास नहीं करते, आया ना बताइए। हम में से बहुत सारे लोग देखने के बाद भी विश्वास नहीं करते। प्रभु का वचन कहता है हबकुक नबी का ग्रंथ उसका 5:5, मैं तुम्हारे ही समय में ऐसा एक कार्य करने वाला हूं जिसे देखकर भी जिसे सुनकर भी तुम विश्वास कर नहीं सकोगे। तुम्हारे इस समय में मैं एक ऐसा कार्य करने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया हालेलुया उसको देखकर और सुनकर तुम विश्वास नहीं कर सकोगे बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था जब यीशु ने चार दिन के मुर्दे लाजर को केवल शब्द मात्र से कब्र से बाहर निकाला बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था प्रेरित चरित्र का तीसरा अध्याय में हम जो देखते हैं पेत्रुस और यूहन्ना के द्वारा जन्म से लंगड़े इंसान उठ खड़े हो जाते हैं यीशु के नाम पर तो बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि ईश्वर ऐसा कार्य करता है अब्बा के नजरों से हमें देखना है अब्बा के नजरों से हमें देखना है हालेलुया 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 प्यारे भाई और बहनों पुराने विधान में ही जाइए उत्पत्ति के ग्रंथ में हम वहां पर यूसुफ को देखते हैं अपने ही भाई लोगों ने उसको मारने का कोशिश किया कुएं में डाल दिया 20 चांदी के सिक्के के लिए उसको बेच दिया और उसके साथ उसके जवानी खत्म हो गया उसके पापा से उनको मतलब अलग करा दिया उसका बचपन उसके जवानी सब कुछ इन्होंने बर्बाद किया अपनों ने अपने भाइयों ने यूसुफ के जगह पर आप होते आप में से कई लोग बोलेगा फादर मेरा हालत इससे भी बुरा है मेरी बात तो इससे भी खराब है फादर मेरा भी अपने लोगों मेरे को सता रहे हैं मेरा अपना लोग मेरे विरुद्ध केस चला रहा है मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं मुझे ऐसे लगता है ईश्वर ही मेरे विरुद्ध है मेरे परिवार वाले तो मेरे साथ ऐसा ऐसे करते हैं मेरे अपने लोग ऐसे करते हैं पड़ोसी ऐसे करते हैं रिश्तेदार ऐसे करते हैं प्यारे भाई और बहनों हमारे पास ये सब छोड़ो ईश्वर के पास जब आते हैं हम लोगों को लगता है कि ईश्वर भी हमारे विरुद्ध है हालेलुया हालेलुया दिल से बोलिए हालेलुया हालेलुया आवाज से बोलिए हालेलुया हालेलुया अपना हाथों को उठा के बोलिए हालेलुया 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 प्यारे भाई और बहनों मेरी बोलने का मतलब यही है आपको मैं समझाऊंगा क्योंकि जिंदगी में अगर हम इंसान की नजरों से देखना शुरू करेगा हम लोगों को केवल पैर पैर ही नजर आएगा उस बालक के समान अगर अब्बा के कंधे पर बैठेगा अब्बा के कंधे पर बैठेगा आपको नजर आना शुरू करेगा कि पापा क्या देख रहा है प्रार्थना का मतलब बिना देखे विश्वास करने का मतलब प्यारे भाई और बहनों और कुछ नहीं पिता ईश्वर के कंधे पर बैठना होगा तब पता चलेगा आपका दुख क्यों हो रहा है आपकी बीमारी क्यों आए हैं आपके परिवार में नुकसान क्यों आए हैं आपका किसी प्रियजन का निधन क्यों हुआ है आपकी नौकरी क्यों चले गए जरा सा देखना शुरू करो ना जरा सा बैठो ना एक बार उस अब्बा के कंधे पर प्यारे भाई और बहनों जो भी मेरी बात सुन रहे हैं उन सबों को फ्री में इनविटेशन है आओ ना उस अब्बा से कहें उस बच्चे समान हाथ ऊपर करके बोलेंगे अब्बा मुझे एक बार बाहों में उठा लो अपने कंधे पर बिठा लो अपने सीने से लगा लो प्रार्थना करो ना तब चलेगा उसकी मतलब हम एक छोटा सा गीत जो पिछले दिनों में ईश्वर ने हमें दिया है उसका एक लाइन गाएंगे आप आपसे अनुरोध है आप अपने आंखें तो जरा सा बंद करो ना और अब्बा के कंधे पर बैठो स्वागत है आपका आओ ना हम चलते हैं अपने हाथों को जरा सा उठाइए उस स्वर्गीय अब्बा के और उठाइए ना और विश्वास के साथ बोलिए अब्बा प्यारे अब्बा अब्बा मेरे अब्बा अब्बा प्यारे अब्बा आतंक उठाकर अब्बा मेरे अब्बा आंखों को बंद करके बाहों में ले ले गले से लगा ले अपना ले मेरे अब्बा बाहों में ले ले गले से लगा ले अपना ले मेरे अब्बा अब्बा प्यारे अब्बा अब्बा मेरे अब्बा
गले से लगा ले अपना ले मेरे अब्बा हो मिले ले yes, Lord. गले से लगा ले अब्बा अपना ले मेरे अब्बा अपना ले मेरे अब्बा अपना ले मेरे अब्बा हालेलुया 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 जो भाई और बहन आज दुखी है मेरी बात सुन रहे हैं एक बात जरा सा सोच लीजिए क्योंकि दुनिया में अक्सर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है मेरे परिवार में ऐसे क्यों हो रहा इसका कभी समाधान नहीं मिलता है प्यारे भाई और बहनों इसका समाधान तब मिलता है जब हम अब्बा के कंधे पर बैठ के अब्बा जो देखता है वो देखना शुरू करते हैं क्योंकि यरमिया का ग्रंथ उसका 29वां अध्याय में 11 वचन में पढ़ते हैं प्रभु का वचन कहते हैं तेरे लिए मेरा एक निर्धारित योजना है तेरा अहित के लिए नहीं बल्कि तेरे हित के लिए आशामय भविष्य की योजना प्यारे भाई और बहनों उसकी योजनाएं हित के लिए है और आशामय भविष्य के लिए है क्योंकि आपको पता है वो जो भी देखता है अच्छा ही देखता है प्रभु जो ही करता है अच्छा ही करता है वो जो कुछ करता है अच्छा ही करता है आपको और मुझे लगता है कि इसमें क्या भलाई है मासूम बच्चों के रक्त बहाया जाता है और महिलाओं बहनों के शोषण किया जाता है दुनिया में इतने सारे बुराई है इसके अंदर क्या भलाई आप बताएंगे शायद आप सवाल करेंगे सुनामी आ रहे हैं भूकंप आ रहे हैं अत्याचार हो रहा है इसमें क्या अच्छाई है याद रखिए हमारे नजरों से सब बुराई है यूसुफ पुराने विधान में देखो यूसुफ के लिए तो क्या है सब कुछ बुराई बुरा हो सकता था लेकिन एक विश्वास करने वाला इंसान के मुंह से ही निकल सकता है वो क्या कर रहे हैं उत्पत्ति ग्रंथ 45वां अध्याय का 5वां वचन हमें याद दिलाते हैं यूसुफ अपने भाइयों से कहते हैं भाइयों तुम लोगों ने नहीं बल्कि ईश्वर ने मुझे तुमसे पहले भेजा ताकि हम सब सुरक्षित रहे हालेलुया 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 आप और मैं होते यानी इंसान के नजरों से देखने वाले होते वो क्या कहते हैं अरे तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया अभी देखो मेरे साथ क्या हुआ मेरी जिंदगी और जवानी सब कुछ बर्बाद कराया तुम लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया है तुम्हारे वजह से ये हुआ हम लोग भी कहते पति पत्नी से पत्नी पति से बच्चे माँ बाप बच्चों से हम सब पड़ोसी से पड़ोसी हमसे कहते तुम्हारे वजह से बिकॉज ऑफ यू तुम्हारे वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा मेरी तकलीफ के कारण तू ही है तुमने ऐसा कहा इसलिए मेरे साथ ऐसे हुआ तुमने ऐसा किया इसलिए मेरा भविष्य खराब हो गया तुमने मुझे पढ़ाया नहीं तुमने मेरे को कुछ हिस्सा बराबर दिया नहीं हम लोगों के पास कितनी ऐसी बातें हैं याद रखिए प्यारे भाई और बहनों ये सब इंसान की नजरों से देखने वाली बात है दुख का कारण ही इंसान की नजरों से देखना है इसलिए याद रखिएगा केवल ईश्वर की नजरों से देखने से हमारा दुख मिटेगा हमारा क्रूस में मृत्यु का नहीं बल्कि मुक्ति का निशान देखने को मिलेगा हालेलुया 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 आइए एक पल खड़े हो जाएंगे आज ये पल जो है ये आराधना में उस अब्बा के कंधे पर बैठने में बिताएंगे आइए प्यारे भाई और बहनों सभी लोग अपने हाथों को जरा सा खोल के रखिए अपने आंखें जरा सा बंद कीजिए और इस पल एक अनुग्रह का पल में बदलने दे अब्बा के नजरों से देखने वाला बिना देख के विश्वास करने वाला वरदान के लिए प्रार्थना करें और उस ईश्वर के प्यार से भरपूर हो जाएं क्योंकि वो सब तकलीफ से हमें मिटाते हैं ईश्वर का प्रेम वो अनोखा प्रेम है आइए प्यारे भाई और बहनों सभी लोग खड़े होकर अपने दोनों हाथ बढ़ाएं जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है सब लोग खड़े हो जाएं
क्योंकि इस वक्त ईश्वर स्वर्ग खुलने जा रहे हैं, अपने आशीषों से भरने जा रहे हैं, अपने प्यार से भरने हैं, क्योंकि प्रभु का वचन रोमियों 8:32 में कहते हैं, ईश्वर ने अपने निजी पुत्र को अभी नहीं छोड़ा, नहीं बचाया, उसने उसको हमारे लिए समर्पित किया। इतना सब कुछ देने के बाद बाकी सब कुछ तुम्हें क्यों नहीं देगा? हे अब्बा, हे पिता, तेरा प्यार मुझ में भर दे। मिलकर हे अब्बा, हे पिता, तेरा प्यार मुझ में भर दे। अपने बेटे के कुर्बानी से तूने हमें प्यार किया। अपने बेटे की कुर्बानी से तूने हमें प्यार किया। ऐसे अनोखे प्यार से आज मुझको भर दे। हाथों को उठाए, अब्बा मेरे अब्बा, अब्बा प्यारे अब्बा, अब्बा मेरे अब्बा, अब्बा प्यारे अब्बा। उस अब्बा के कंधे पर बैठे उससे बताए, प्रभु हे मेरे अब्बा, प्यारे अब्बा, मेरे प्यारे अब्बा हो, मुझे बाहों में लीजिए, अपने कंधे से बिठाइए, बाहों में ले, गले से लगा ले, अपना ले मेरे अब्बा। मिलके गाए हम, बाहों में ले ले, गले से लगा ले, अपना ले मेरे अब्बा। बाहों में ले ले, गले से लगा ले, अपना ले मेरे अब्बा। उसका पवित्र प्रेम को अनुभव करते हुए दोनों हाथ अपने सीने में रखकर आंखों को बंद करके इस महत्वपूर्ण घड़ी को अनुभव करें, उसके कंधे पर बैठकर उसका अनुभव करें, अब्बा की नजरों से देखना सीखे। बाहों में ले ले, गले से लगा ले, अपना ले मेरे अब्बा। बाहों में ले ले, गले से लगा ले, अपना ले मेरे अब्बा, अपना ले मेरे।